इन साथियों अभी आप देखेंगे कि अभी हाई जंप बंद इन भाइयों को सिखाया जा रहा है। इन लोगों का फिजिकल है, किसी का 19 को होगा, किसी का 20 को होगा, 18 अलग है कल जिसका फिजिकल है। कल जी देखिए दो लोग ऐसे भी है जिनका फिजिकल कल है, यानी कल 18 तारीख है ना, 18 19 वाला भी इसमें है, 19 का भी फिजिकल है, वो लोग भी खड़े हैं। देखिए कितना बड़ा रिस्क लेते हैं, और मेरे को गर्व है, मेरे को खुशी इस बात की है कि लोगों को आज भी विश्वास है कि नहीं गुरु जी एक दिन में सिखा देते हैं, सिखा देंगे। कोई बात नहीं, जिस उम्मीद के साथ आए हैं, विश्वास के साथ आए हैं कि भाई आपको अभी का अभी सिखाएगा, जो कमी लॉन्ग जंप में रही वो पूरा कर दिया, ये हाई जंप में आए हैं वो पूरा कर दूँगा एकदम पक्का। मैं जो बताऊंगा उसको पहले समझा रहा हूं, आप समझेंगे उसके बाद आपको फनाएंगे। रेडी है? सबसे पहले जब हम लॉन्ग जंप करने जाते हैं, लॉन्ग जंप आपको एरिया पता हो जाता है कि मेरा पैर कौन ज़्यादा उठता है, तो आप इधर जाते हैं उधर जाते हैं। गांव में लड़कन कहता है कैंची, यहाँ लड़कन कहता है और तिरछा मारना रे, तिरछा मार, तिरछा मारी ना। गाँव के लड़कन से पूछे कितने से मारे नहीं, तिरछा मारी ना सर, तिरछा नहीं तो मास्टर साहब कहता है, क्या कहेगा मास्टर साहब। तो देखो जब भी तुम किसी भी एरिया से जाते हो, इधर चाहे उधर, लेफ्ट या राइट, जौना एरिया से जाओ लेफ्ट पैर हमेशा आगे रहेगा। पहला काम ये है, कौन पैर आगे रहेगा, लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, दौड़ हो, सब में पैर कौन आगे रहेगा, एक्सरसाइज हो, सबसे पहले की प्रक्रिया लेफ्ट साइड। सावधान विश्राम की जो भी प्रक्रियाएं होती है सिर्फ लेफ्ट, जो भी भर्ती ट्रेनिंग तक के सारा काम इधर से, कौन पैर आगे रहेगा यहाँ। अब जब लेफ्ट हो गया तो अब समझ में आ गया लेफ्ट, सबसे पहले तो एरिया पता हो गया कि हम किधर खड़ा हो गए। अब ये चलाएंगे टू, ये हो गया टू, टू हो गया, हम इसको चलाएंगे, क्या करेंगे, बॉडी को एक्टिव करेंगे। हाई जंप के लिए थोड़ा बट किक लगाना बहुत जरूरी होता है कि पैर फोल्ड हो, पैर उठे, बट किक हो गया, थोड़ा फ्रंट मारेंगे, फ्रंट उठाओ, फ्रंट उठाओ, फ्रंट उठाओ, ताकि पैर वहाँ आसानी से, ये जितना पैर उठेगा जितना स्टॉप, थोड़ा हैंगिंग करो, इतना उठाओ ऐसे, पूरा उठाओ, पूरा उठाओ, उठाओ, जितना उठाएगा उतना आसानी से हो जाएगा स्टॉप। ये सारे चीज़ें करने के बाद बहुत सारा स्टेप है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं फाना, आपको 3-6 ही फाना है, क्वालिफाई करना है, उतना ही बताएंगे जितना आपको ज़रूरत है, एकदम जीरो से बताएंगे। जब आप इतना कर लेते हैं अपने एरिया में चले जाते हैं लेफ्ट चाहे राइट, अब बात होती है हर स्टेप जीरो से बता रहे आपको। यहाँ से अब बात होगी इतना करने के बाद दौड़ने की, पहले दौड़ होगा तब ना जंप होगा। सर तो दौड़े कैसे, ये बड़ा बड़ा कदम ले सर, ऐसे दौड़े नहीं सर। कुछ लड़का शुरू में धीरे दौड़ता है और वही पे चला जाता है, जैसे ये दौड़ हुआ आतने पे सोचेगा ना कि हम आतने पे इसको फान जाए, तो फान पाएगा हा? आपको लास्ट का 3 कदम लॉन्ग हाई जंप का स्पीड थोड़ा सा गति, और लॉन्ग जंप का 5 कदम सॉलिड होना चाहिए। दूसरा चीज, जैसे आप दौड़ते हैं कदम ये होना चाहिए जैसे आप नॉर्मली दौड़ते हैं, जो भी आपका स्टेप जितना हाइट है जैसे दौड़ते हैं उसी दौड़ना है, थोड़ा सा नजदीक आएंगे स्टेप को स्पीड बढ़ाना है। जंप कैसे करें, सबसे पहले अब हो गया कि रनिंग हो गया, खड़ा होना हो गया, अब फानना है तो सर लेफ्ट पैर पे टेक ऑफ देना है, राइट पैर को सामने चेस्ट शोल्डर जो है ना वहां पे उठाना है, कहाँ पे, यहाँ पे। ये हुआ टेक ऑफ की बात, कुछ लड़का बिना पैर उठाए सोचता है ना कि पहली पैपवा पे पैरवा को पार कर दे, इसीलिए फंसता है, हिट सकता है। अब रहा कि सर टेक ऑफ कहाँ से दें, तो हमारे पैरों में कुछ गैपिंग होगी, गैपिंग कैसे पता चलेगा, हर आदमी का हाइट भिन्न भिन्न है, तो आप ऐसे पैदल चलिए 2-3 कदम, देखिए कि कितना गैपिंग आ रहा है, देखिए आपके पैर में कुछ गैपिंग आ रहा है बीच में, उतना ही रॉड से पीछे से फाड़ना है, जिसका जितना हाइट है हिप नहीं सटेगा, क्लियर है। इतना होने के बाद लड़का जब क्लियर हो गया, जैसे ही टेकअप देता है, जंप करता है, बॉडी को सामने या तिरछा घुमा देता है दूसरा पैर को, जैसे ही आप ये टेकअप दिए, ये जंप किए, दूसरा पैर भी ऐसे जाएगा। यदि हमको ये गद्दा है स्टेप, ऐसे ही हम ये जाते हैं, फिर लेकिन ये दूसरा पैर पर डाल देता है, कारण है कि दोनों पैर एक साथ गिरा, चेहरा किधर है, इधर है। यदि हम हाई जंप मार रहे हैं, चेहरा मारने के बाद ऐसे होगा, और इधर वाले लड़के का चेहरा इधर होगा। खास बात और आ जाओ नदी दौड़ के, ये वाला ये तक का स्ट्रेट, यानी जो सामने से फानता है,
आप तिरछा मार रहता रहो, माने तिरछा क्वैची क्रॉस सीजर यही आपका एरिया है, यानी इसी के पीछे से आपको क्रॉस मारना है, पैर उठाना है। अब दौड़ के हटो, इन सेकेंड दौड़ के वहाँ से आ रहे हो और आके पूरा फानता है, यहाँ नहीं फानना है, इधर वाला लड़का दौड़ते आएगा, हेजा पैर उठाएगा, पहले ही हिप सट जाएगा। मेरे भाई ऐसा काम नहीं करो, जब भी आओ यहीं से उड़ो। ये बीच वाला एरिया या ये वाला एरिया इस साइड का है, ये वाला इसका है, बीच में आइएगा हिप सटेगा, बीच वाला एरिया सिर्फ और सिर्फ सामने वाला का होता है। दूसरा चीज, हवाई जहाज देखे हो, हेलीकॉप्टर, पंखी धरी तरी तेज नहीं चलेगा तो हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, पंखी बंद कर दीजिए गिर जाएगा। एरोप्लेन लैंडिंग करता है, रनवे पे दौड़ता है, स्पीड नहीं दौड़ेगा, वो जमीन छोड़ ही नहीं सकता है, तो थोड़ी सी गति बढ़ाइएगा, 3.6 फीट इजी वे में कर जाइएगा। आपको जीरो लेवल से ले चलते हैं सारे भाइयों को, देखते हैं कैसे नहीं होता है। जो करता है वो भी अपनी माँ का दूध पिया है, हम भी पानी पी के इतना बड़ा नहीं हुए, तो जो फानता है वो तो ठीक है, हम भी नहीं फानते, आज से फान जाएंगे। रेडी हो? 1 सेकेंड स्किप करते जाइएगा, वीडियो लंबा होगा, बहुत हाई सीख रहे हो। ये पैर ये वाला बैक, पैर बांध के मत दौड़। थप्पड़ मारने वाला भी रिकॉर्ड कर लिया क्या? क्या फिजिकल है ये देखिए, क्वालिफाई कर गए कहाँ करे, छपरा से है वो। चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं भाई के लिए, ताली बजा दीजिए, बहुत सारा शुभकामनाएं छोड़ दिए हो जाए। हाँ हो जाएगा इस पर, आओ जोर से बोल। कब आया था अभी? आज सुबह में हो गया क्लियर लॉन्ग जंप हाई जंप हो गया ना, एक दिन में सिखा दिए, कोई डाउट है? कैया फिजिकल है, देखो उन्हें देखो कैया फिजिकल है, बहुत सारा सुबह बहुत करीब था, बहुत बढ़िया बजाइए आप लोग तो।
पढ़ाई के में प्रॉब्लम होने के बाद इधर देखिए आप खुश हैं, आज पहला क्लास है। चलिए आपका हाई जंप हो गया, कहिए फिजिकल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, खुश हो ना? कहाँ से हो? खुश है? कहाँ से आया था? समस्तीपुर से। कितना दिन में हाई जंप सीखा? कल शाम में आया था। अभी कल शाम में ही सीख गया था ना? जी। मंदारीपुर पर बोलना मम्मी का था, ठीक है ना? सिखा दिया ना? कहाँ से आया था? केकड़ा के देख के तुम आया था यहाँ पे? 15 तारीख के जो लड़का पास किया उसको देख पाया, क्योंकि वो तुम्हारे गाँव में फेल होता था दौड़ में भी, हाई जंप में भी दौड़ भी नहीं होता था, लेकिन वो पास कर गया। सोचा कि जल्दी चलते एक दो दिन जो भी बचा है। वो उसका 7.5 से 8 लगता था, लेकिन 6.5 में पास कर गया। 6.5 में पास कर गया। गुरु जी टीम का कमाल है, तुम भी पास कर जाओ। जा सर, आइए। सासाराम से आए। क्या नाम है? राजकिशोर निराला। कहिए फिजिकल का कल है? हो गया ना? जाइए, भगवान करे आपका होगा सिलेक्शन भी। जाइए, छोड़ दीजिए। कहाँ से आए हो? मधुबनी। केकड़ा का देख के आए हो? यूट्यूब में केकड़ा कौन लग गया कैसे देखा? जो ना तू जानता होगा कि जो ना पास हुआ तू आ गया ना? पहले भी हो जाते थे, थोड़ा डॉट था अपने मन में शंका शंकर करने के लिए। चल बहुत बढ़िया, चल ठीक है, बात 23 तारीख को हो जाएगा। आई लव यू, ठीक है ना? कहाँ से आए हो? जरा क्या देख के आया था? क्या है भरोसा एक दिन में हाई जंप कैसे तोड़े गए? क्या पता हम नहीं सिखाते, पैसों दे देते तो नहीं। यहाँ से मैं गाँव के हैं, जो बने दरोगा यही से ट्रेनिंग करता। दरोगा इसी टीम से बना है जी। तो तू अपने ड्राइवर बनेगा, गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी गुगली। तो देख रहे हैं अमरजीत, जो हमारी टीम का रीढ़ का हड्डी है, उसका छोटा भाई टीम में आया है। भाई ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, लेकिन अब डॉन नहीं लगा था। कोई बात नहीं, पता था। जल्दी से जाना है नवादा जिला। कभी नहीं कूदा था। हो गया हो गया हाई जंप। चलो एक लड़का बचा है, उसको भी क्लियर कराते हैं। उड़ जाए हो गया। अरे कहाँ से आया था? दानापुर से आया है। दानापुर से बहुत सारे भाई आए, अच्छा लगा सबको बता के सिखा के। और कहिया फिजिकल 22 तारीख हो और आपका हो जाएगा। आप लोग खुश है? साथियों आपका भी मौका है, हाई जंप लॉन्ग जंप दिक्कत है, आइए टीम से जुड़िए, सीखिए। जय हिंद।